एक वीडियो जिसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका के यूट्यूबर को नेपाली महिला से बहुत बड़ा फायदा मिला है और दूसरी ओर नेपाली महिला को अमेरिका के इस फेमस यूट्यूबर से भी बहुत फायदा मिला है। तीसरी बड़ी बात कि नेपाल की एक डिश जो कि मोमोस आज पूरी दुनिया में वायरल हो गई है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है ये सौदा, तो इसी के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका की कौन से यूट्यूबर थे जिन्होंने किस महिला के साथ मुलाकात करी और नेपाल की इस महिला ने क्या खास चीज़ दी, उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के फेमस यूट्यूबर यानी कि रियान ट्रेहॉन जो कि एक वीडियो शूट आउट करते हैं और उसका टॉपिक होता है कि जो यहाँ पे होटल्स हैं जिनकी कोई रेटिंग नहीं है, क्योंकि हाल ही में हम देखते हैं कि रेटिंग देख के लोग जाते हैं होटल के अंदर डिश खाने के लिए। 5-star होटल हो गया, 3-star हो गया, 4-star हो गया, लेकिन वो ऐसे होटल्स की डिश चेक करना चाहते हैं जिनकी कोई रेटिंग नहीं है और उसके बावजूद क्या उनका खाना अच्छा है। तो इसी के बीच वो यहाँ पे जाते हैं और एक नेपाली महिला से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या काम करती हैं, कब से हैं। तो वो बताती हैं कि मैं अभी 1.5 महीने से यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी नेपाली डिश को ट्राई किया है। उस रेस्तरा के अंदर नेपाली महिला केस नाम की वो महिला है और उन्होंने रेस्तरा को दिखाया भी उनको और वो बताती हैं कि मैं मोमोज बनाने का काम करती हूँ यहाँ पर। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, स्पेशल डिश जो कि नेपाली डिश हैं वो मैं यहाँ पे बनाती हूँ और उसके बाद से कार्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति पर है इस होटल का। और वीडियो को केवल एक दिन के अंदर 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और केस को उनकी विनम्रता और मधुरता के लिए यहाँ पर विश्व स्तर पर सराहना भी मिल रही है। ये दूसरी बड़ी यहाँ पर जो उनकी काबिलियत की बात कर सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर लाइक इस वीडियो पर हैं और 41 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने सभी का रिव्यू तो किया लेकिन मोमोज का एक स्पेशल रिव्यू के तौर पर उन्होंने लिखकर भी सेंड किया। उन्होंने कहा कि पिछले गैस स्टेशन भोजन समीक्षा मज़ेदार थी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इसे इनकार नहीं कर सकता और मोमो से मिलकर मैंने देखा कि ये होटल की डिश सबसे ऊपर है। सबसे पहले मैंने यह बेकरी स्टेशन देखा है और पेय काच्य त्रुटिहीन और कैंडी की विविधता रोमांचक है। मोमो जैसी डिश मुझे इसमें से कोई भी नहीं लगी, ये दुनिया की सबसे बेस्ट डिश मैं कह सकता हूँ और यहाँ से कई तरह की जो मोमोज की वैरायटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे परिवार को मैंने खिलाई तो उनको उससे भी ज़्यादा ये अच्छी यहाँ पे जो मोमोज की डिश है वो लगी। इस तरह से यहाँ पे इस नेपाली महिला के द्वारा बनाई गई डिश से ये फेमस हुई और ना केवल ये वीडियो फेमस हुई बल्कि इसके साथ साथ नेपाल की ये मोमोज डिश पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वायरल है लेकिन अब दुनिया भर में और ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नेपाल की डिशेज और नेपाल के लोग जो कि काम करते हैं उनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा कि नेपाली लोग जैसा मोमोज कोई नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ की ये डिश है तो उनसे ज़्यादा स्वाद के बारे में इसके लिए कोई नहीं जानता, तो इससे नेपालियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।